शिक्षा संगठन की बैठक हुआ संपन्न। झरिया पाथर डिग मोहन बाजार स्थित मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के झारखंड राज्य मोटिवेटर रंजय सिंह के आवासीय कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगठन के अध्यक्ष सज्जन शर्मा मौजूद थे। बैठक के दौरान कहा कि मानव अधिकार सुरक्षा संगठन को और भी मजबूत बनाने को लेकर यह बैठक की जा रही है, जिससे हमारे संगठन के सदस्य को कोई भी सामाजिक कार्य करने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वहीं महिला सदस्य को कार्य के प्रति सजग रहना है, इसकी जानकारी दी। इस मौके पर रंजय सिंह स्टेट मोटिवेटर विनोद कुमार, उप प्रभारी राजीव कुमार के अलावा जन जागृत महिला समिति के अध्यक्ष वैजयंती देवी, शांति देवी मौजूद रही। झरिया से रिपोर्टर मनोज साव। हम लोग मानवाधिकार का टीम है, ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का 19 नियम है, जो कि सभी राज्य के थाना में DGP और SSP से ऑर्डर पास करा दिए हैं हम लोग, और सभी थाना में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का बोर्ड लग रही है। अब बोर्ड लगवा कर उसका जांच होगा, उसका कितना अनुपालन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इसकी समीक्षा कल हम लोग बरवाडा थाना किए हैं। अब लगातार जिले के जितने भी थाना ओपी है सभी का जांच होगा और उस पर देखा जाएगा कि मानवाधिकार का बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है, तो उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, ये है एक। दूसरा, यहाँ रंजय कुमार सिंह जी हैं, जो कि बहुत एक्टिव है, हमारे संस्था के पदाधिकारी भी हैं और इनका अच्छा यहाँ संपर्क है। तो ये महिला लोग आई है यहाँ नूतन टीम, गौशाला नूतन टीम से, है ना, और देखने से तो समझ में आ रहा है कि बहुत एक्टिव महिला है। और हम लोग भी चाहते हैं जो एक्टिव पुरुष हो, एक्टिव महिला हो, खास करके महिला, उसको हम लोग बहुत प्रोत्साहन देते हैं और उसके लिए हम लोग हमेशा अलर्ट मूड में रहते हैं उनको मदद करने के लिए। इन लोग का हार्दिक इच्छा था कि ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट के साथ हम लोग बैठक करें और नियम कानून को समझे और अपना इन लोग जो समस्या हो भी अपना इन लोग रखेंगे, उसको हम लोग नोट करेंगे और उस पर जाँच करके उसको न्याय हम लोग दिलाएंगे। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का नियम कानून का जानकारी देने के लिए ही एक शिविर आज लगाई हुई है यहाँ पर, और उसमें अभी हम लोग बहुत सारा नियम कानून की जानकारी देंगे। ये मुद्दा है, खास करके नारी सशक्तिकरण को हम लोग बहुत मजबूत करने के लिए प्रोग्राम बना हुआ है, उस पर चल रही है। बहुत सारी महिला यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको हम लोग सशक्त करेंगे, मानवाधिकार का नियम कानून से इन लोग को लैस करेंगे, जानकारी देंगे, जागरूक करेंगे, जिससे कि अपना अधिकार को ले सकते हैं और किसी को कोई समस्या हो तो उनको न्याय मिला सकते हैं। और हमारी संस्था का उद्देश्य भी ये है कि गरीब लाचार असहाय पीड़ित व्यक्तियों को उनका आंसू पोंछना, उनको न्याय दिलाना, उसके संदर्भ में आज हम लोग आए हैं यहाँ पर, मीटिंग हो रही है। बहुत सारे नियम कानून की जानकारी सभी को साथ लेके कार्यक्रम चलाया जाएगा, उनका जो समस्या होगा उसका हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम सज्जन शर्मा मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रेसिडेंट हैं और धनबाद कानून नगर में ऑफिस।